सो हेयर वी कम डिस्कशन ऑफ सॉल्व अलॉन्ग मेगा टेस्ट हैलोजन डेरिवेटिव्स एल्कोहल्स फिनोल्स ईथर्स एंड सॉल्यूशन। एक्चुअली ये डिस्कशन नहीं है, क्वेश्चंस के आंसर तो आप खुद भी ढूंढ लोगे, अगर कोई गलती हुई तो बुक में देख लिया, कॉपी में देख लिया, वीडियो लेक्चर देख लिया, वैसे भी हो जाएगा। ये तो बस आप लोगों के साथ एक बातचीत है जो करना मुझे अच्छा लगता है, जैसे क्लास में टेस्ट के बाद कभी कभी बात करते हैं। तो इसके जरिए कुछ लोगों को मैं ये बता सकता हूँ, हेल्प कर सकता हूँ कि अगर कोई आपका क्वेश्चन गलत हुआ तो वो क्यों हुआ, किस नज़रिए से उस क्वेश्चन को देखना था, क्या गलती नहीं करनी थी, रिवीजन की क्या इम्पोर्टेंस है, घूम फिर के सारी बातें, कंसिस्टेंट स्टडी और सही ऑब्जर्वेशन ऑफ द क्वेश्चन कि क्या एग्जामिनर पूछ रहा उसके बारे में, एंड एक्चुअली हाउ मच एग्ज़ाम रेडी वी आर, वो भी ज़रूरी है। तो गलतियाँ ये नहीं कि हर समय अब 31 क्वेश्चन है तो 31 के 31 ही हर समय ठीक हो जाएंगे, गलतियाँ होती हैं, हर एक से होती हैं, हो जाएंगी, लेकिन वो वाली गलतियाँ जो आपको भी लगता है कि शायद नहीं होनी चाहिए थी क्योंकि आपने वो टॉपिक पढ़ा, मेहनत की है, फिर भी थोड़ा ऐसा हो गया, तो थोड़ा पॉजिटिवली उसको लें तो इन चीज़ों में हम इम्प्रूव कर सकते हैं। चलो शुरू करते हैं एक एक क्वेश्चन करके, और बस ये मेरी बात ध्यान से सुनना, साथ साथ वही पर्पज़ है इस वीडियो, अदरवाइज़ तो जैसे आपको का आंसर तो आपसे भी दूर नहीं है। पहला क्वेश्चन है, मेंशन थ्री टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन इथाइल अल्कोहल एंड फिनोल। अब देखो यहाँ पे मैंने लिखे नहीं है टेस्ट क्योंकि मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ आप मेरी बात सुने और फिर आपको आंसर ये पता लगे, ठीक है। फिनोल का तो सबसे पहले एक टिपिकल टेस्ट रहता है, फेरिक्लोराइड टेस्ट, जिसमें इसका वायलेट कलर आता है, एक तो वो लिख दें क्योंकि इथाइल अल्कोहल उसके साथ वायलेट कलर नहीं देने वाला। इथाइल अल्कोहल का टिपिकल टेस्ट क्या रहता है, एक क्या ये आइडोफॉर्म देता है, ये प्राइमरी अल्कोहल है, इट इज़ द ओनली प्राइमरी अल्कोहल विच गिव्स ए पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट, फिनोल तो नहीं देगा, सेकंड वो लिख लें। तीसरा टेस्ट क्या लिखेंगे, अल्कोहल्स के और भी टेस्ट हैं, जैसे सीरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट लिख सकते हैं, इसमें सही लिख सकते हैं ना, और विक्टर मेयर टेस्ट में इथाइल अल्कोहल प्राइमरी अल्कोहल है, कौन सा कलर देगा, रेड कलर देगा, RBC होता है ना, रेड ब्लू कलरलेस प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, तो हो जाएगा। ल्यूकास टेस्ट के बारे में क्या कहना है आपका, और फिनोल का लिबरमैन नाइट्रोसो टेस्ट और फिनोल का ब्रोमीन वाटर टेस्ट। अब तो मुझे लग रहा है मैंने तीन टेस्ट पूछे हैं तो कम पूछे हैं, ज़्यादा भी हो सकते थे, है ना, कई स्टूडेंट तीन पूछने पे चार पाँच छः लिख भी देते हैं, मज़ा आता है क्वेश्चन पढ़ के उसका थोड़ा सा ज़्यादा कभी कभी टीचर को आंसर देने के लिए, वहाँ एग्जाम में तो जितना पूछा हो उतना ही आंसर देना चाहिए, लेकिन ऐसे क्लास टेस्ट में थोड़ा सा आगे जा सकते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर टू, स्टार डाला, ये तो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन था, मैंने आपको कई बार बताया ये रेमर टेमन रिएक्शन का क्वेश्चन है और पहले एक बड़े एग्जाम में आया भी हुआ है, इसमें दो प्रोडक्ट बनते हैं, एक तो एक्सपेक्टेड वाला और एक और वाला, आपको ये करा है इसमें, ये तो मैंने ड्रॉ कर दिए, और अगर आपको ये वाला नहीं क्लिक कर रहा तो आपको इसके लिए रेमर टेमन का वीडियो देखना चाहिए और अभी इस वीडियो को देखने के बाद देखना चाहिए। देखो कोई भी चीज़ क्वेश्चन, स्पेशली जो क्वेश्चन पहले पूछे जा चुके हैं एंट्रेंस एग्जाम में, वो कभी भी दोबारा आ सकते हैं, इसलिए तो उनको किया जाता है ना, और उस टाइप की और चीज़ें भी आ सकती हैं, उनके आने के चांसेस तो रहते ही हैं, कई बार ऐसा हुआ एक एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन आया, बाद में थोड़े साल बाद वो दूसरे में आ गए, इसी तरह से चीज़ों की इंपॉर्टेंस बढ़ती रहती है, तो ये वाला तो इम्पॉर्टेंट था ही। अब जैसे कई लोग पूछते हैं कि सर ये वाला करा दिया, ये बनेगा साथ में, ये कैसे बन गया ये बताओ, बताया आपको लेक्चर में अच्छी तरह से, लेकिन उसके बाद फिर ये अगर आपका गलत हो गया तो फिर इसका मतलब कि हमें और अभी ही करना है ना, खुशी से पढ़ना है पॉजिटिवली, लेकिन और करना है, तो यू मस्ट गो, एंड मैं तो कहता हूँ ऑल ऑफ यू जिनका थोड़ा सा भी ये गलत हुआ उनको ये अभी नहीं सोचना चाहिए कि हाँ 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 ऐसे यहाँ पर ये आना था, उनको ये वाला वीडियो फिर से देखना चाहिए, वहाँ पे है, यू कैन सी विच कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज सूटेबल टू डिटरमाइन मॉलिक्यूलर मास ऑर्गेनिक सब्सटेंस लाइक प्रोटीन्स। देखो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज चार होती हैं, 1, 2, 3, 4 लिखी नहीं है क्योंकि मैं बोलूँगा तो आप सुनोगे मुझे अच्छा लगेगा। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर, पहले हम डिस्कस कर चुके हैं वीडियो लेक्चर में, तो उम्मीद है ये आप लोगों का ठीक हो गया। अगला क्वेश्चन, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और ये इपोक्साइड, इपोक्साइड भी कौन सा, अनसिमेट्रिकल इपोक्साइड, इसका रूल क्या होता है, द रिंग ओपन्स फ्रॉम द साइड ऑफ लेस स्टेरिक हिंड्रेंस, इसलिए वाई लिखा, तो इधर से रिंग नहीं खुलेगी, रिंग यहाँ से खुलेगी तो ये वाला बॉन्ड टूटेगा, तो बाद में वो इसके साथ चला जाएगा OMgBr जो फिर OH में कन्वर्ट हो जाएगा, तीन कार्बन इधर हैं, दो इधर हैं, CH3CH2,
फिर CH2, फिर CH का OH और साथ में CH3, ठीक है। अगर नहीं लगे कोई इसमें रहे तो फिर बता देना मुझे, पर ऐसा लग रहा है कि ऐसा कुछ आंसर आएगा। अब ये सिक्स्थ क्वेश्चन, ये कीटोन है, कीटोन की ऑक्सीडेशन, पहले तो कीटोन की ऑक्सीडेशन लिखे हुए तो मन में क्या आना चाहिए, कीटोन्स आर हाईली रेजिस्टेंट टू ऑक्सीडेशन, वेरी गुड। लेकिन नीचे क्या लिखा, विग्रस कंडीशन, विग्रस कंडीशन से मन में क्या आना चाहिए, पहले तो पॉपऑफ रूल सुनाओ, ड्यूरिंग विग्रस ऑक्सीडेशन ऑफ अनसिमेट्रिकल कीटोन्स, सिमेट्रिकल में तो इधर से थोड़े या उधर से थोड़े एक ही बनेगा, ठीक है। फिर से बोल लेते हैं, ड्यूरिंग विग्रस ऑक्सीडेशन ऑफ अनसिमेट्रिकल कीटोन्स द कार्बोनाइल ग्रुप टेंड्स टू स्टे विद द स्मॉलर एल्काइल ग्रुप, तो फिर यहाँ से टूटेगा या यहाँ से टूटेगा, देखें स्मॉलर एल्काइल ग्रुप कौन सा है, ये मिथाइल वाला, और ये कार्बोनाइल ग्रुप मिथाइल, ये पूरा इसको भी थ्री को भी लेना साथ में, तो ये इसके साथ रहेगा। अरे पेन नहीं चलेगा, ऑरेंज पेन नहीं चलेगा तो कैसे काम चलेगा, ये वाला, तो इसका मतलब कि टूटेगा कहाँ से, ये यहाँ से टूटने वाला, यहाँ से टूटेगा तो दो कार्बन इधर दो इधर, दोनों तरफ कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, दो मॉलिक्यूल एसिटिक एसिड के इसमें बनने चाहिए, ठीक है। अगर ठीक हो गया तो अच्छा है, नहीं हुआ तो आगे से याद रखना। व्हाट इज द मोलैलिटी ऑफ प्योर वाटर, कईयों को याद होगा आंसर, 55.5 आता है इसका आंसर, है ना। कैसे निकालते हैं, मोलैलिटी इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर किलोग्राम ऑफ द सॉल्वेंट, ना तो यहाँ पे सोल्यूट है ना यहाँ पे सॉल्वेंट है, तो फिर क्या करते हैं, वाटर के ही 1 किलोग्राम में वाटर के ही मोल्स निकाल के इसका आंसर दिया जाता है। वाटर के 1 किलोग्राम, ग्राम कितने हुए 1000, और मोल्स बनाने के लिए गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास, 1000/18 जो 55.55 होता है, ये तो आप लोगों का ठीक होना चाहिए। मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोल्यूट इज डबल्ड फ्रॉम 0.05 टू 0.10 इन एन एक्वस सोल्यूशन, कैलकुलेट द इंक्रीज इन मोलैलिटी, इसके दो तरीके करने के। अच्छा फॉर्मूला तो ये लगेगा, कई लोगों ने गलत वो दूसरा फॉर्मूला लगा लिया रिलेटिव लोअरिंग वाला, इसमें तो ऐसा तो कुछ पूछा ही नहीं है। 1000 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट बाय 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इंटू 18, क्यों, क्योंकि एक्वस सोल्यूशन है, तो पहली बार आप 0.05 पुट करें एक्स ए को तो उसको सॉल्व करें मोलैलिटी 1, फिर 0.10 पुट करें मोलैलिटी 2 बढ़ेगी तो m2 माइनस m1 करें तो आंसर आ जाएगा। दूसरा तरीका क्या है, एक मोल फ्रैक्शन को आप x मान लें, दूसरे को आप 2x मान लें, और वो 2x वाले में से x वाली इक्वेशन को सीधा माइनस करें, कुछ ना कुछ 1000/18 वगैरह कॉमन निकल जाएंगे, बाकी सॉल्व करने के बाद फिर आप x की वैल्यू 0.05 डालेंगे तो आंसर उसमें भी आ जाएगा। तो इसका जो आंसर है मेरे ख्याल से 3.25 के आसपास आता है। अगर आपका ये वाला आंसर नहीं है तो एक बार कैलकुलेशन चेक करें, अगर फिर भी वो आंसर नहीं आता तो फिर आप बता देना कि क्या गलती उसमें है। हाउ इज DDT प्रिपेयर्ड, ड्रॉ द स्ट्रक्चर, DDT कैसे प्रिपेयर करते हैं, क्लोरोबेंजीन और क्लोरल का रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में, दो मॉलिक्यूल क्लोरोबेंजीन के और क्लोरल, और ये रहा उसका स्ट्रक्चर, डाइक्लोरो डाइफिनाइल, ये क्लोरो और फिनाइल है तो ये दो बार है इसलिए डाइक्लोरो डाइफिनाइल, ट्राइक्लोरो ये 3 क्लोरीन की वजह से, और इथेन क्योंकि 2 कार्बन वाला चेन है यहाँ पे। IUPAC ने भी कराया हुआ आपको इसका, बोलो नहीं बोलना तो कोई बात नहीं, लेकिन लर्न कर लेना इसको, ठीक है DDT का स्ट्रक्चर, क्योंकि वो जो क्लोरोबेंजीन का पैरा वाला एच होता है वो रिएक्ट करता है, दूसरे क्लोरीन का भी पैरा वाला एच रिएक्ट करता है, वो दोनों एच क्लोरल का जो यहाँ पे एक ऑक्सीजन होता है वो उसके साथ रिएक्ट करके वाटर बना के बाहर निकल जाते हैं। अरेंज इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ PK, अब इस क्वेश्चन में बहुत कुछ है, एक तो इसमें थोड़ी सी एक्सेप्शन वाला भी है कि इसमें तो PK पूछ लिया, ऊपर से डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछ लिया सो मच, पहले देखते हैं PK क्या आता है, PK क्या है जी, ये है माइनस लॉग ऑफ K, और K क्या है, डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट ऑफ द एसिड पर्टिकुलरली वीक एसिड, और जितना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा उतना उसका KA ज़्यादा होगा और उतना उसका PK कम होगा। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ PK मतलब हाइएस्ट PK वाला पहले आना चाहिए, वीकेस्ट एसिड पहले आना चाहिए और स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड बाद में आना चाहिए। अब कैसे देखेंगे इसमें, तो मैंने ABCD आंसर नहीं लिखा है, तो बात सुनेंगे आप, अटेंड द डिस्कशन। फिनोल और ये नाइट्रो है, नाइट्रो तो किसी भी पोजीशन पे लगाओ तो वो इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप रहता है, डन, तो इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप एसिडिक रिएक्टर को क्या करते हैं, वो इंक्रीज करते हैं, तो ये तीनों ही फिनोल से तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब इन तीनों में मेटा से नाइट्रो का सिर्फ एक ही इफेक्ट, कौन सा वाला, -I रेजोनेंस वाला मीजोमेरिक वाला यहाँ से ऑपरेट नहीं होगा, तो ऑर्थो और पैरा से तो
रेजोनेंस वाला और इंडक्टिव दोनों ऑपरेट होंगे, तो इसका मतलब ऑर्थो और पैरा वाले मीजो मेटा इसमें से मेटा वाले के कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्गर एसिड हुए, विड्राइंग इफेक्ट ज़्यादा है ना दो इफेक्ट के थ्रू है, और नाइट्रो का विड्राइंग ही होता है रेजोनेंस वाला हो या इंडक्टिव हो दोनों तरफ से ऐड अप ही होते हैं। और ऑर्थो और पैरा में से कौन सा, अब इसके ऑर्थो में आपको याद है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण ऑर्थो वाला एच निकालना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो इस वजह से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा होना चाहिए, पैरा वाला होना चाहिए क्या, तो उसके हिसाब से इसको पी के में रेंज कर लो। कितने टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एच डी करेक्टर, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एच डी करेक्टर, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ के, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ के, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पी के, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पी के, छः क्वेश्चन तो सीधे बन ही जाते हैं। स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड वीकेस्ट एसिड वो भी बन जाते हैं, है ना। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑर्डर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट ऑर्डर, इन हाउ मेनी ऑफ दीज आर इन करेक्ट ऑर्डर, कई तरह के एग्जामिनर के मन में बातें आ सकती हैं। तो इट हैज़ बीन डन वेल इन द लेक्चर, लेक्चर वीडियो लेक्चर देखो, नहीं तो अपनी कॉपी से रिवाइज करो, तो यू विल गेट इट। ये इथर है अनसिमेट्रिकल, एच आई के साथ हीट किया, एक तरफ सेकेंडरी ग्रुप है, वो रूल क्या होता है याद है, सेकेंडरी वाला प्राइमरी वाले को फॉलो करता है कि टर्शरी वाले को फॉलो करता है, सेकेंडरी वाला प्राइमरी वाले को फॉलो करता है, और ये रिएक्शन स्टेरिक के हिसाब से होगा। छोटा ग्रुप कौन सा है, सी एच थ्री, इसको एच मिलेगा, तो सी एच थ्री ओ एच मिथाइल एल्कोहल, और ये आयोडीन जो है ना ना छोटा वाला जो है मिथाइल वाला, इसके साथ आयोडीन जाएगा सी एच थ्री आई मिथाइल आयोडाइड, और ये जो बड़ा वाला है आइसोप्रोपाइल, इसके साथ एच मिलके आइसोप्रोपाइल को एल्कोहल मिलेगा। तो बेसिकली ये जो सी एच थ्री सी एच सी एच थ्री है, इसके आगे ओ एच आएगा, और जो मिथाइल है उसके साथ आयोडीन आएगा स्टेरिक। अगर यहाँ पे टर्शरी होता तो फिर क्या होता था, वो फिर कार्बोकेटायन स्टेबिलिटी से होता था, वो टर्शरी वाले का आयोडाइड बनता था और छोटे वाले का एल्कोहल बनता था। तो ये बढ़िया क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग। तो स्टार क्वेश्चन फिर से आ गया, ये क्वेश्चन भी स्टार क्यों लगा, सीधा तो है, ये एल्कोक्साइड है, ये वाला हैलाइड है, तो ये रिएक्शन का नाम लिमिटेशन, ये रिएक्शन तो होगा ही नहीं, क्यों नहीं होगा, एराइल हैलाइड्स आर नॉट रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड दिस इज द एराइल हैलाइड। हो गया ना गलत, नहीं हुआ तो फिर आप खुश हो रहे हैं, अभी हो गया ना खुश, दोनों तरह से ठीक है ना, डिस्कशन का यही तो मज़ा है, डिस्कशन करने में मज़ा आता है, डिस्कशन करवाने में भी मज़ा आता है, दोनों तरह से अच्छा है। अब ये क्यों नहीं रिएक्टिव होते, रीज़न याद है, रेजोनेंस और बोलो, रेजोनेंस के कारण डबल बॉन्ड करेक्टर वो सब, और कोई रीज़न बोलो, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम और बोलो, पोलैरिटी ऑफ कार्बन हैलोजन बॉन्ड और बोलो, अनस्टेबिलिटी ऑफ वो जो फिनाइल वाला कार्बोकैटायन वहाँ पे बनता है, ठीक है। तो ये तो क्वेश्चन डालना ही था, इस क्वेश्चन के इर्द गिर्द तो हजारों क्वेश्चन है एमसीक्यूज। मेंशन थ्री टेस्ट टू डिस्टिंग्विश एन प्रोपाइल एल्कोहल फ्रॉम आइसोप्रोपाइल एल्कोहल, ये एन प्रोपाइल एल्कोहल तो प्राइमरी एल्कोहल है तीन कार्बन का, ये सेकेंडरी एल्कोहल है तीन कार्बन का, इनको डिस्टिंग्विश करने के लिए सबसे पहले तो आइसोप्रोपाइल देखते हैं, मेरे मन में आता आइडोफॉर्म टेस्ट, क्योंकि ये आइडोफॉर्म देता और ये आइडोफॉर्म नहीं देता, तो पहला टेस्ट आइडोफॉर्म हो गया, लिखे नहीं है मैंने, बात सुनो मेरी डिस्कशन है ना, क्लास की तरह लो जैसे क्लास में बैठे हो, कोई बात नहीं, जब टाइम होगा तभी छुट्टी होगी। और दूसरा टेस्ट प्राइमरी सेकेंडरी के लिए वो वाला करें ल्यूकास टेस्ट, ल्यूकास टेस्ट में क्या होगा, टर्बिडिटी आती है, टर्शरी में टर्बिडिटी इमीडिएटली, सेकेंडरी में टर्बिडिटी आफ्टर सम टाइम मे बी 5 मिनट्स, और प्राइमरी में नो टर्बिडिटी एट रूम टेम्परेचर, उससे भी डिस्टिंग्विश हो जाएंगे। तीसरा कौन सा, विक्टर मेयर टेस्ट, कलर टेस्ट, आर बी सी प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, एन प्रोपाइल एल्कोहल में रेड कलर और आइसोप्रोपाइल एल्कोहल में ब्लू कलर, ठीक है। चलो ड्रा ऑल आइसोमर्स ऑफ C7H8O, ये तो मैंने ड्रा कर दी, ये एक तो बेंजाइल एल्कोहल और एक ये एनिसोल और एक ये ऑर्थोक्रिसोल, ऐसे एक मेटाक्रिसोल, ऐसे एक पैराक्रिसोल, फोटो देख के तीन ना कर लेना, पांच हैं इसके, ये तीन है ऑर्थोमेटा और पैरा, एक बार चेक कर ले कि इसमें C7H8O फॉर्मूला बनता है कि नहीं, तीनों में से जिसका आप बताओ चेक करते हैं, मैं बोलता हूँ 1 2 3 1 2 3, आप रुकने को कहना 1 2 3 1 2 3 1 2, चलो आपने कहा मैंने सुन लिया। अब ये C6H5 है, इतना स्पेसिफिकली नहीं करेंगे ना तो टेस्ट अच्छा नहीं होगा। C6H5 ये कार्बन के साथ 3H है CH3 और वो एक ऑक्सीजन है, कार्बन कितने हो गए 6 और 1 7, यहाँ पे 7 हैं, हाइड्रोजन कितने हो गए 5 और 3 8, है ना 8 और एक ऑक्सीजन तो है ही। अब आपको कि बेंजीन में तो 6 कार्बन होते हैं तो 6वां हाइड्रोजन का आ गया, यहाँ पे वो लगा ना तो यहाँ पे एच नहीं है, इसलिए C6H5 फिनाइल के अकॉर्डिंगली हमने लिया, तो ये हो गया। इस क्वेश्चन में NaOH के साथ ही डज दिस रिएक्शन अकर इफ यस वाई इफ नो वाई, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये भी तो एराइल हैलाइड है, तो पिछले पेज पे तो एराइल हैलाइड वाला स्टार क्वेश्चन हो गया, क्योंकि वो एराइल हैलाइड रिएक्ट ही नहीं करेगा, यहाँ पे वो रिएक्ट करेगा, क्यों,
Yes, this is called activation of the halogen. If there are electron withdrawing groups present at positions ortho and para with respect to the halogen, then this is said to activate the halogen towards nucleophilic substitution. More is the number of such electron withdrawing groups at ortho and para positions, more is the reactivity of the halogen, easier is the reaction. यहाँ पे तो दो है, नाइट्रो तो बहुत बढ़िया इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है और ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे लगे हैं. क्यों ऐसा करते हैं वो लेक्चर में है, वो तो हमने कर लिया, वो नहीं अभी डिस्कस करेंगे. बट इज वेरी इंपॉर्टेंट, द आंसर इज येस एंड वाई इट हैज बीन नाउ स्पोकन. चलो अब ये क्वेश्चन कमाल का है. NBS की फुल फॉर्म एन ब्रोमो सक्सिनिमाइड और साथ में ये रेडिएशन है, ये क्या करता है? फ्री रेडिकल देगा. और यहाँ पे कौन सी सब्स्टिट्यूशन होनी चाहिए? एलाइलिक पोजीशन, डबल बॉन्ड है तो एलाइलिक फ्री रेडिकल सबसे ज़्यादा स्टेबल होने वाला है ना. तो इसके एलाइलिक पोजीशन एक तो ये वाली है, अब एक ये वाली है. अब जैसे ही यहाँ पे फ्री रेडिकल बनेगा तो वो रेजोनेंस से फ्री रेडिकल का और इलेक्ट्रॉन अल्टरनेटिंग में डबल बॉन्ड यहाँ पे या यहाँ पे दोनों में, ये डबल बॉन्ड यहाँ कर दें तो फ्री रेडिकल वाली पोजीशन ये हो जाएगी. तो इफेक्टिवली ऊपर वाले ग्रुप के हिसाब से वो सेम ही पोजीशन है यहाँ और यहाँ. अब इसके एलाइलिक एक इधर वाली भी है, इधर वाली भी आप खुद सोचो, ये इतना बड़ा ग्रुप लगा है ना, तो इसलिए ये जो एलाइलिक पोजीशन है ये वाला या ये वाला, तो वहाँ पे पहले स्ट्रक्चर में यहाँ पे एरो लगाया, यहाँ पे क्या लगेगा? ये ब्रोमीन लगाता है, आपको पता ही, ठीक है. एलाइलिक ब्रोमिनेशन के लिए तो यूज़ करते हैं इसको, नहीं याद है तो देखो जाके वीडियो या नोट्स चेक करो. अब ब्रोमीन लगाने के बाद ये एक्वस पोटाशियम कार्बोनेट है, एक्वस KOH की तरह इसका प्रोसेस रहेगा, तो OH देगा ये, तो ब्रोमीन की जगह पे OH रिप्लेस हो जाएगा. तो बेसिकली जो फाइनल प्रोडक्ट होगा उसमें ये वाली पोजीशन पे OH होने से इसका आंसर सही आना चाहिए, फिलहाल मुझे ऐसा लगता है. ये क्वेश्चन तो बहुत फेमस है, आया हुआ पहले एग्जाम में. सोडियम और ड्राई इथर, ये इंट्रा मोलिकुलर वर्ड्स रिएक्शन की एक एग्जांपल है. वर्ड्स रिएक्शन देखो लिखा है कि ये कैसे ब्रोमीन निकलेगा, तो फिर ये इंटरनल अटैक होके तो ये एक कंपाउंड कैसे बनेगा, ये यहाँ से क्लोरीन चला जाएगा, यहाँ से ब्रोमीन चला जाएगा और ये वाले कार्बन में और ये वाले कार्बन के बीच में ऐसे स्ट्रेट लाइन बना के एक ये वाला बॉन्ड बनेगा. चलो ड्रॉ एस्पिरिन स्ट्रक्चर, इससे इंपॉर्टेंट क्या है भाई फिनोल में, एंड कैलकुलेटेड्स ग्राम मॉलिक्यूलर मास. ये एस्पिरिन का स्ट्रक्चर, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, पहले तो फिनोल बनाते हैं बेंजीन के ऊपर OH, फिर उसके ऑर्थो पे कार्बोक्सिलिक एसिड, उससे ये हो गया सैलिसिलिक एसिड, फिर वे जो फिनोल का एच है उसको हटा के उसकी जगह पे एसिटाइल ग्रुप, देन इट बिकम्स एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड. नेवर टू फॉरगेट वाला तरीका है ये बनाने का, फिर से बता दो एक बार. पहले बेंजीन रिंग 6 मेंबर्ड बनाएंगे, हंसो, फिर उसके ऊपर OH लगाएंगे फिनोल, उसके ऑर्थो पे कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, फिर फिनोल का एच निकाल के उसकी जगह पे एसिटाइल ग्रुप, इट बिकम्स एस्पिरिन 2-acetoxybenzoic एसिड एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड. ग्राम मॉलिक्यूलर मास शायद 180 होता है, चेक करें मजा बढ़ाएगा. बेंजीन से बेंजीन ले लेते हैं, 2H बेंजीन के यहाँ से मिसिंग है आई नो, लेकिन वो इजी हो जाएगा उस तरीके से करना. 2H हम यहाँ से कम ले लेंगे ना, तो बेंजीन का कितना होता है 78, ठीक है, और इसके 2H कम है तो कितना हो गया 76 के बाद ऑक्सीजन कितने, 1, 2, 3, 4, 16 × 4 कितना हो गया जी 64. सिस्टमेटिक चले, इनको ऐड करें, 6 × 4 = 10, 0, 1 + 6 = 7 = 14, 140 हो गए. अब बचा क्या हमारे पास, ये दो कार्बन तीन है, तीन कार्बन का 12 × 3 कितना हो गया 36, और हाइड्रोजन कितने 3 × 1 = 4 है ना, तो 36 और 4 कितना हुआ 40, और 140 180 लग रहा है कि ये ऐसा आंसर आएगा इसका, है ना, नहीं आए तो मुझे बता देना. चलो हाउ मेनी एटम्स आर देयर इन द कार्बन एटम्स, हाउ मेनी एटम्स आर देयर अदर देन कार्बन एटम्स इन द प्रोडक्ट व्हेन फिनोल रिएक्ट्स विद बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड इन अल्कलाइन pH कपलिंग विद डाइजोनियम सॉल्ट्स का रिएक्शन ये बनेगा पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन की. फिनोल का पैरा पोजिशन वाला एच बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के सी एल के साथ निकल के ये वाली बॉन्डिंग होगी. अब काउंट केयरफुली लिखा ही है, कार्बन को छोड़ के बाकी गिनने, चलो गिन लेते. अब देखो ये जो बेंजीन रिंग के हैं वो तो सारे कार्बन हैं, इनको छोड़ दे. अब लेकिन उन कार्बन अकेले नहीं है, वहाँ पे हाइड्रोजन भी होते हैं, कहीं कहीं हाइड्रोजन होते हैं कहीं कहीं हाइड्रोजन नहीं होते. तो पहले हाइड्रोजन गिने, 1, 2 ये क्लास वाला तरीका है, 3, 4, 5 यहाँ पे तो कोई नहीं आएगा, 5 के बाद 6, 7, 8, 9 ठीक है, और यहाँ यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है क्योंकि बॉन्डेड है, 9 तो ये हो गए, 10, 11 ये देखो 5 हैं पूरे, 10, 11,
और ये 12 और एक 13, मे बी 13 इज़ द आंसर। आप एक बार फिर से चेक करना, 13 नहीं आए तो मुझे शेयर करना कमेंट्स में। अच्छा क्वेश्चन था ना, अदर देन कार्बोनेट। ऐसे ही सब कुछ आता है, रिएक्शन भी आता है, फिर भी मौके पे गलती हो सकती है। इसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं, वो आपको याद है? मैं फिर से अपनी बात शुरू करूँगा बीच में, रुको रुको अगला क्वेश्चन करने से पहले। वो तीन तरह की तैयारी होती है। पहली तैयारी कौन सी होती है? वो टॉपिक की तैयारी है ना। दूसरी तैयारी की वो फिनोल के रिएक्शन सारे किए हैं कि नहीं किए। दूसरी तैयारी कौन सी होती है? सब्जेक्ट की तैयारी, केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक आती है कि नहीं आती। तीसरी तैयारी कौन सी होती है? अपनी तैयारी, जो इस क्वेश्चन का आंसर सही लेके आएगी आपका। इथाइल अल्कोहल का डायज़ोमीथेन के साथ रिएक्शन, BF3 की प्रेजेंस में ईथर बनते हैं इसमें CH3CH2OH और डायज़ोमीथेन CH2N2, तो नाइट्रोजन गैस निकल जाएगी, कलरलेस ऑर्डरलेस गैस, और CH3CH2OCH3 बनेगा। मैकेनिज्म भी कराया आपको, BF3 का फंक्शन क्या है वो सब भी कराया, बनता नहीं गलत होना ये। कन्वर्ट मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड टू टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल, एक बार टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल ड्रॉ तो करो, ये कर लिया ड्रॉ। टर्शियरी अल्कोहल है, ग्रिग्नार्ड से बना रहे, रूल कीटोन वाला रूल क्या होता है, तीनों रूल बोलते हैं। फॉर्मेल्डिहाइड फॉर्म्स प्राइमरी अल्कोहल, अदर एल्डिहाइड्स फॉर्म सेकेंडरी अल्कोहल, एंड कीटोन्स फॉर्म टर्शियरी अल्कोहल। तो कीटोन, अब मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड तो दिया ही है, तो एक कार्बन मिथाइल हमने अलग से लिख लिया, इसका तो मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। चल भाई चल, हाँ जी इनको तो बहुत है, पता नहीं क्यों नहीं चलता कभी। तो ये बाकी का कीटोन बन जाएगा, कैसे? एच को हटाओ, यहाँ पे डबल बॉन्ड करो। कौन सा कीटोन है? एसीटोन लग रहा मुझे तो। व्हाट इज द प्रॉब्लम इन फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन ऑफ फिनोल, इंपॉर्टेंट है, डिस्कस किया पहले। फिनोल की फ्रिडल क्राफ्ट में क्या होता है, यील्ड खराब आती है। क्यों खराब आती है ना, कई जगह लिखा होता होता ही नहीं है, क्योंकि वो फिनोल के जो ऑक्सीजन का लोन पेयर है वो एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड जो इसका कैटलिस्ट है, उसके एल्युमिनियम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, तो उसको डोनेट होके वहाँ पे कोऑर्डिनेट हो जाता है उसके साथ, तब कैटलिस्ट ही कम हो जाएगा तो रिएक्शन कैसे होगा। तो इसका फिर एक हल भी होता है फिनोल के केस में, याद है, बाय एडिंग मोर अमाउंट ऑफ द कैटलिस्ट इट इज़ पॉसिबल टू कैरी आउट द रिएक्शन। लेकिन ये भी फिनोल का एक लैंडमार्क क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट जो आना चाहिए। 23 क्वेश्चन हो गए, 24 है क्या नीचे? ये बेस के साथ इसको किया, मेजर अल्किन बताना है, सेट से रूल से कर लेंगे इसको या नहीं कर पाएंगे। सोडियम टर्शियरी ब्यूटोक्साइड है, इसका स्ट्रक्चर खोल के बनाओ जरा। एक कार्बन पे तीन मिथाइल लगे और उस कार्बन पे एक ओ है, वो ओ नेगेटिव वहां से अटैक होगा बल्कि बेस के लिए। यहाँ से एच निकालना इजी होगा या यहाँ से एच निकालना इजी होगा, दैट इज इंपॉर्टेंट। यहाँ से निकले तो ZSF प्रोडक्ट, यहाँ से निकले तो हॉफमैन प्रोडक्ट। तो अब बल्कि बेस से ZSF प्रोडक्ट बनेगा या हॉफमैन प्रोडक्ट बनेगा, सोचो थोड़ा सा, रिवीजन करो, आपको पता लगेगा क्या गलती हुई। थोड़ा जल्दबाजी में कर दे इसको, अदरवाइज हो जाना चाहिए। कभी कभी ZSF प्रोडक्ट और कभी कभी हॉफमैन प्रोडक्ट, ठीक है, ज़्यादातर ZSF प्रोडक्ट और बहुत कम हॉफमैन प्रोडक्ट, लेकिन जो क्वेश्चन आएगा आंसर तो उसी के हिसाब से देना पड़ेगा। नेम ए पॉलीमर दैट कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम फिनोल, इट इज़ इंपॉर्टेंट टू नो, हो सकता है एक से ज़्यादा बनते हो। यहाँ पे कौन सा बताना था, लेकिन बेकलाइट, बेकलाइट कैसे बनता है? फिनोल और फॉर्मेल्डिहाइड का रिएक्शन, रिएक्शन का नाम बोलो, लेडरमेनेजी रिएक्शन। उससे पहले तो वो बनते हैं ऑर्थो और पैरा वाले प्रोडक्ट, CH2OH लगते हैं उसमें, फिर उसका एक लीनियर पॉलीमर बनता है। लीनियर पॉलीमर का नाम बताओ, मैं नहीं बताऊँगा। फिर वो लीनियर पॉलीमर की नेटवर्क, जॉइंट नेटवर्क स्ट्रक्चर बनता है जो, जिसको बेकलाइट कहते हैं। सोचो लीनियर पॉलीमर का नाम, फायदा क्या फिर ऐसे पढ़ाने में। हाउ डू यू प्रिपेयर क्लोरीटोन एंड क्लोरोपिक्रिन फ्रॉम क्लोरोफॉर्म, किए हमने इसी तरह, इसलिए डन लिखा है। क्लोरीटोन कैसे बनता है? एसीटोन के साथ रिएक्शन। और क्लोरोपिक्रिन कैसे बनता है? नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन। क्लोरीटोन और क्लोरोपिक्रिन दोनों में से टीयर गैस कौन सा होता है, क्लोरोपिक्रिन या क्लोरीटोन? और दूसरा क्या होता है, हिप्नोटिक होता है ये क्वेश्चन। ब्रोमीन है और रेडिएशन है, ऑब्वियसली फ्री रेडिकल बनेंगे, फ्री रेडिकल वहाँ पे बनेंगे जहाँ पे सबसे ज़्यादा स्टेबल फ्री रेडिकल बनेगा। यहाँ से एच जाए तो प्राइमरी, यहाँ जाए तो सेकेंडरी, यहाँ जाए तो टर्शरी, समझ जाओ। जहाँ पे ये पेन रख रहा हूँ मैं, ये वाली पोजीशन पे ब्रोमिनेशन। ये क्यों गलत हो गया, ये थोड़ा आसान था। अनसिमेट्रिकल डबल बॉन्ड है और HBr है, परऑक्साइड वगैरह तो कुछ नहीं। द रिएक्शन इज गोइंग टू टेक प्लेस बाय मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन, तो मार्कोनिकोफ रूल वाला काम हो गया। सीधे मार्कोनिकोफ रूल से करें तब भी हो जाएगा, मैकेनिज्म से करें तब भी हो जाएगा। अगर इस कार्बन पे पॉजिटिव आए और इस पे पॉजिटिव आए, दोनों में से ज़रा स्टेबल कौन सा होगा? ये वाला प्राइमरी है और ये वाले में तो बहुत कुछ है, सेकेंडरी लग रहा है। और यहाँ से बेंजीन के साथ कॉन्जुगेशन में भी है, तो एच कहाँ लगेगा? यहाँ पे। और ब्रोमीन कहाँ लगेगा? यहाँ पे। इसके चांसेस ज़्यादा है, मेजर प्रॉब्लम। ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है,
ब्रोमीन है, वैसे डबल बॉन्ड में ब्रोमीन की एडिशन होती है सीधी सीधी, लेकिन साथ में ये अल्ट्रावायलेट दिया, रेडिएशन में फ्री रेडिकल बनेंगे, फ्री रेडिकल बनेंगे तो जो ज़्यादा स्टेबल फ्री रेडिकल बनेगा वहाँ पे अटैक होगा। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड वाले पे फ्री रेडिकल तो नहीं स्टेबल होता, विनाइलिक टाइप हो जाता है, और उससे नेक्स्ट कार्बन में क्या आ जाता है, एलाइलिक टाइप, एलाइलिक जो है फ्री रेडिकल ज़्यादा स्टेबल होगा। तो फिर ये ऊपर वाला कार्बन या नीचे वाले, इन दोनों में से किसी एक पे फ्री रेडिकल बन के वहाँ पे ब्रोमिनेशन होगी। अगर ब्रोमीन एक्सेस में होगा तो फिर कभी कभी दोनों जगह भी होता है, मेंशन नहीं है ना, तो फिर एक ब्रोमीन वाला। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन SN1 एंड SN2 रिएक्शंस विद रिस्पेक्ट टू सॉल्वेंट इफेक्ट एंड स्टीरियोकेमिस्ट्री? बाकी तो आपको आते ही सारे, फर्स्ट ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर वगैरह है ना। सॉल्वेंट जो पोलर ए प्रोटिक होते हैं वो क्या सपोर्ट करते हैं, SN2 को, और जो पोलर प्रोटिक होते हैं वो किसको सपोर्ट करते हैं, SN1 को। रीजन वगैरह वो न्यूक्लियोफिलिसिटी वर्सेस बेसिसिटी वगैरह वाला जो है, या SN1 SN2 वाला उसमें डिस्कस किया। स्टीरियोकेमिस्ट्री, SN2 का तो याद होगा वाल्डन इन्वर्जन, और SN1 में रेसिमाइजेशन। और अगर डिटेल में करना है तो रेसिमाइजेशन का मतलब कि इन्वर्जन एज वेल एज रिटेंशन, अगर बहुत डिटेल में करना है वो भी आपके आपसे डिस्कस किया मैंने, तो देयर इज रेसिमाइजेशन विद सम नेट इन्वर्जन, है ना। तो उससे ये तो शुड बी ईजी। स्लोप ऑफ द प्लॉट ऑफ 1/XA वर्सेज 1/Y, XA मोल फ्रैक्शन ऑफ A इन लिक्विड फेज, XB मोल फ्रैक्शन ऑफ B इन लिक्विड फेज, YA मोल फ्रैक्शन ऑफ A इन वेपर फेज, YB मोल फ्रैक्शन ऑफ B इन द वेपर फेज, ये तो आसानी से हो जाना चाहिए। क्यों, इस क्वेश्चन के लिए तो पूरा एक वीडियो लेक्चर सेपरेटली बनाया था, तो इस वीडियो, ये जो डिस्कशन का वीडियो, इसके साथ मैं लिंक कर दूंगा ऊपर, आपको वो आई करके लिखा आता ना वीडियो के ऊपर कभी कभी, इसको क्लिक करेंगे तो ये सीधा आपको इसके साथ जोड़ देगा। जैसे मैं लोड करूँगा आई विल पुट द लिंक टू इट, तो अगर आपका नहीं हुआ तो वहाँ से देख लें, इट्स नो पॉइंट मी डिस्कसिंग दिस अगेन राइट नाउ हेयर, ठीक है। तो ये तो हमारे 31 क्वेश्चन कम्प्लीट हो गए। अगर किसी क्वेश्चन में आपको लगा कि कुछ मैंने जाने अनजाने अनइंटेंशनली कुछ गलत बोला गया आंसर, तो आप मुझे इन्फॉर्म कर देना, वी कैन डेफिनेटली रेक्टिफाई दैट। तो लेकिन सीखने वाली बात ये थी कि जो भी क्वेश्चन इसमें गलत हुए हैं वो ये देखना कि भाई गलत क्यों हुए। अगर आप पढ़ रहे हैं साथ साथ रेगुलरली, सब कुछ कर रहे हैं, तैयारी करके आए, तो फिर क्यों गलत हो, क्यों गलत हो मीन्स कि हमें पॉजिटिवली लेके हम उसको हमेशा इम्प्रूव कर सकते हैं, एक अच्छे नज़रिए से फिर से एक तैयारी शुरू करें, और अगले टेस्ट के टाइम पे एकदम जैसे टेस्ट अनाउंस होता है बस बैठ जाओ पढ़ने कि ये मेरा टेस्ट है, है ना। और रेंडमली करो, कोई भी जैसे आपके पास कॉपी है, कॉपी के पेज पलटो, किसी जगह पे हाथ रखो, देखो वहाँ पे क्या टॉपिक है, वो क्वेश्चन को अपने आप सॉल्व करने की कोशिश करो, होएगा। ऐसे जब आप ऑब्जेक्टिव करते हो तो एक ही टॉपिक के बहुत सारे ऑब्जेक्टिव का, देर इज़ नो फन डूइंग दैट। और अगर थ्योरी में जो चीज़ें मैंशन की हैं उसके बिना ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं तो अगेन देर इज़ नो फन डूइंग दैट। और अपनी टेक्स्ट बुक वगैरह जो है उसको अच्छी तरह से पढ़ो, और जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में क्वेश्चन आए होते हैं रेलिवेंट वाले, रेलिवेंस से मेरा क्या मतलब है, ये नहीं कि वो रेलिवेंट होते, मतलब कि अगर कोई क्वेश्चन का आंसर आपको पता भी है कि किसी अगले चैप्टर से रिलेटेड है लेकिन अभी पहले इन्होंने बुक में लिख दिया उसको, तो उसको फिलहाल आप थोड़े टाइम के लिए छोड़ सकते हैं, तो बाद में वो अपने आप हो जाएगा। बाकी रेलिवेंट क्वेश्चन तो जो है हो ही जाने चाहिए ना। जैसे अब 11th क्लास में हेलोजिनेशन के क्वेश्चन और 12th क्लास में हेलोजिनेशन के क्वेश्चन, थोड़ा सा फर्क रहता है, कोई चीज़ें थोड़ा सा बाद में जाके रिलेट होती हैं और डिटेल में टॉपिक्स वगैरह आ जाते हैं। कई क्वेश्चन में ऑप्टिकल आइसोमर्स बनते हैं, देखो इस टेस्ट में मैंने ऑप्टिकल का कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा, पिछले वाले में बहुत सारे पूछे थे, है ना। यही तो बात है कि एग्जामिनर तो कुछ भी पूछेगा और आपको कुछ भी उसका आंसर देना पड़ेगा, बस बात समझने की है। थोड़ा सा जो मैं दो वर्ड में अगर मैं ये वीडियो ख़त्म करना चाहूँ तो, अगर वीडियो समझ लो कि क्लास ही खत्म हो रही, मान लो छुट्टी का टाइम हो गया तो आप मुझे घड़ी दिखा रहे हैं कि सर हो गया टाइम, तो सर फिर एंड में दो वर्ड क्या कह देंगे आपको। बस ये नहीं कह रहा अभी, रुको, वो बाद में कहता हूँ कि अगर पढ़ रहे हो, इतनी मेहनत कर रहे हो, तो जो भी करो दिल से करो, उसी का फ़ायदा होगा। बस जी।